बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 को लेकर के आपको पता है लगभग 70,000 और जो है पदों पर वैकेंसी आउट हो चुकी है, जिसमें 6 से 8 के पद 31,982 पद हैं। यहां पर 9 से 10 में अगर देखेंगे तो 18,880 हैं और 11 से 12 में अगर देखेंगे तो 18,830 पद हैं। कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो लगभग 70,000 के आसपास पद हैं और इन पदों में हमको बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। ये पद इंक्रीज भी हो जाएंगे और इंक्रीज होकर लगभग पहुंच जाएंगे, ये 1,00,000 पद तक पहुंच जाएंगे। इस बात की जानकारी हमको अतुल प्रसाद जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से दी थी। और हु इज अतुल प्रसाद? अतुल प्रसाद जो है वो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, इतना तो आप जानते होंगे। भर्ती को लेकर के बहुत सीरियस हैं, धमाकेदार तरीके से बिहार में सारी भर्तियों को क्लियर कर रहे हैं। तो अब इसको लेकर के विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा कि सर बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के 2.0 भर्ती को लेकर के सर कैसे करें तैयारी, क्या है पाठ्यक्रम, मतलब सर इसका पाठ्यक्रम क्या है, इसका कोई खास सिलेबस क्या है सर, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो 2 मिनट में आपके लिए कुछ अच्छी बातें आपको बताने वाला हूं, समझना जरा ध्यान से। 2 भागों में इसको बांट लेते हैं हम इसको। पहले यहां पे तो लिख लेते हैं भैया पाठ्यक्रम के बारे में बात कर लेंगे। यहां तो पाठ्यक्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिलेबस। तो यहां तो इसको हम क्या रख लेते हैं भैया? सिलेबस लिख लेते हैं। और यहां पर इसको लिख लेते हैं भैया कैसे करें तैयारी, कैसे करें तैयारी। ठीक है, चलो अब 2 चीजों हम समझेंगे एकदम अलग अलग तरीके से। सबसे पहले अगर हम पाठ्यक्रम को लेकर के डिस्कस करें, सिलेबस को डिस्कस करें, तो आपको पता है कि अभी तक ऑफिशियल रूप से कोई सिलेबस नहीं इसका जारी हुआ है। हालांकि जितनी भी कई न्यूज वेबसाइट हैं या जितनी भी और सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं उनके माध्यम से, प्लस जो अतुल प्रसाद जी ने कहा भी है कई न्यूज़पेपर की कटिंग में, उनके बयान को लेकर के बात हुई है कि इसका जो सिलेबस रखा जाएगा वो बीपीएससी 7th फेज वाली भर्ती को रखा जाएगा, जो बीपीएससी 7th फेज वाली भर्ती को देख करके रखा जाएगा। और बीपीएससी 7th फेज वाली भर्ती का सिलेबस क्या था, तो आपको पता है कि 9th और 10th और 11th और 12th वर्ग में उन्होंने क्या रखा था, 40 और 80 का रेशियो रखा था। 40 और 80 का रेशियो का मतलब इन्होंने रखा था कि जो 40 का है सिलेबस उसमें कंप्लीट जो है जीके जीएस, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स ईवीएस साइंस रीजनिंग मैथ और कुछ करंट अफेयर्स, इन सब को मिलाकर के 40 क्वेश्चन देंगे, ये उन्होंने रखा था। प्लस 80 नंबर का इन्होंने क्या रखा था कि हम इसमें अपना सब्जेक्ट रखेंगे, जो भी आपका टीजीटी लेवल पर, जो भी आपका पीजीटी लेवल पर है सब्जेक्ट वो रखा था। ये फॉलो कब हुआ था? बिहार 7th फेज में। तो इस बार भी, अब इस बार एक और नया पद इसमें जोड़ दिया 6 से 8 का पद, तो 6 से 8 के पद में भी क्या रहेगा, यही रेशियो रहेगा 40 to 80 का। तो तीनों स्तर पर अगर मैं आपसे बात करूं, तीनों स्तर पर 6 से 8 वर्ग में, 9 से 10 के वर्ग में, 11 से 12 के वर्ग में, ये 40 और 80 का रेशियो मान करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। और यही सिलेबस रहेगा, क्योंकि बीपीएससी कभी भी अपने सिलेबस को बहुत ज्यादा चेंज नहीं करता है, और कोई दूसरी संभावना भी है नहीं कि कोई दूसरा ब्लॉक सिलेबस उसमें चेंज कर देंगे। अगर कुछ चेंज करते हैं तो उसको लेकर के भी हम चीजों को बदल देंगे, उस तरीके से नया पाठ्यक्रम अपना आगे चला लेंगे पढ़ाई लिखाई का। भाई इसमें हो सकता है नंबर में थोड़ा बीच कर दें, कुछ इसमें 10-20 नंबर का और ऐड कर दें, कुछ इसमें ऐड कर दें ना, मतलब लैंग्वेज भी इसमें अलग है, मैं तो केवल ये बता रहा हूं लैंग्वेज का पेपर अलग है। अब ये तो आप अच्छे से जानते हैं, अब देखो कैसे करें तैयारी। देखो मैं बहुत डायरेक्ट सी बात करूंगा, 2 तरीके होते हैं तैयारी करने का। एक तो होता है कि आप चीजों को यूट्यूब से पढ़ाई करें अपना, यूट्यूब पर आजकल बहुत सारे टीचर, हम खुद अपने चैनल पर फ्री में कुछ बढ़िया चीजें पढ़ा रहे हैं। दूसरा एक है कि भाई कुछ थोड़े से 1500-2000 रुपए खर्च कर लिए जाए, और 1500-2000 रुपए खर्च करके किसी भी का क्या ले लिया जाए, पेड बैच ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, पेड बैच ले लिया जाए। अब अनुपम सर पेड बैच तो देखो नहीं लेंगे, आप देखो कोर्स बेचने चले आए हो, तो भैया हम तो साफ करें पेड बैच बिल्कुल मत लीजिए, आपकी मर्जी मत लीजिए साहब।
हम तो कह रहे हैं साहब आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए, हमारे तो यूट्यूब पे भी चीजें चल रही हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है टीजीटी पीजीटी टेस्ट बुक, टीजीटी पीजीटी टेस्ट बुक, और हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है हमारा टेट एंड पीआईटी, टेट एंड पीआईटी बाय टेस्ट बुक। तो आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल पर चले जाइए। हम तो भैया इस यूट्यूब चैनल पर हमारे सारे के सारे टीचर फ्री क्लासेस भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहां पे क्या चल रही है, ओनली फ्री क्लासेस, समझना ध्यान से, ओनली फ्री क्लासेस। अब हमने इसका क्या लॉन्च किया, पेड बैच भी लॉन्च किया आपने कहां पर भैया, एप्लीकेशन पर, और हमारा एप्लीकेशन क्या है, टेस्ट बुक के नाम से। आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और टेस्ट बुक के नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। अब वहां पे हमने एप्लीकेशन की फीस रखी है लगभग 2000 रुपए, और 2000 रुपए में आप हम आपको पेड कोर्स देंगे। बोले अनुपम सर जब फ्री क्लास यहां दे रहे हो तो ब्रह्म आपसे पेड कोर्स क्यों खरीदें, उसकी भी वजह समझो। यहां पे क्या है कि जैसे ही आप हो जाएगा, एक तो आपकी पीडीएफ, कौन सी पीडीएफ, अरे अनुपम सर आपकी पीडीएफ तो हम यहां पे टेलीग्राम से डाल लेंगे, टेलीग्राम में इकट्ठी पीडीएफ डाल दी, कैसी भी इरेगुलर पीडीएफ डाल दी। यहां पे जो हम आपको पीडीएफ दे रहे हैं वो पीडीएफ कौन सी दे रहे हैं, टॉपिक वाइज, मतलब जो आपको टॉपिक आज की क्लास में पढ़ाया गया, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने हिस्ट्री में विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य आपको पढ़ाया, तो उसी दिन उसी की पीडीएफ तुरंत टेलीग्राम पर, पीडीएफ दो दो चार चार दिन नहीं डल पाती, आप खुद मुझसे शिकायत करते हैं, लेकिन यहां पे उसी दिन आपको क्या मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी। दूसरी बात, यूट्यूब पे आपके इतने डाउट नहीं ले पाते, यहां पे डाउट सॉल्विंग सबसे ज्यादा है, डाउट सॉल्विंग सबसे ज्यादा वहां पे। एप्लीकेशन पर हमारे में ऑप्शन आता है हैंड रेज का, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपके डाउट पर विशेष फोकस्ड रहेंगे डाउट सॉल्विंग। कल को यदि सिलेबस में कोई भी परिवर्तन आता है, सिलेबस में कोई परिवर्तन आता है, इसको ये हमारी गारंटी है, ये हमारी गारंटी है कि हम उस सिलेबस के बदले, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चीजों को पढ़ाएंगे, उतना ही पढ़ाएंगे जितना जरूरी है, जितना जरूरी है, प्लस पूरे के पूरे बीपीएससी पैटर्न को फॉलो करेंगे। यहां पर चाहे तो इसमें वो एनसीईआरटी का मामला हो, चाहे इसमें आपका एससीईआरटी का मामला हो, इससे अपर लेवल पर, इससे एडवांस लेवल पर जाकर के चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, इस बात को समझ लीजिएगा। प्लस यहां पे दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात को समझना, यहां पे एकदम से चीजों को, यहां पे टाइम बिल्कुल फिक्स है आपका, टाइम फिक्स है आपका, क्या टाइम फिक्स है, जिस टाइम पर आपकी क्लास लगी हुई है उस टाइम पर आपकी क्लास लगी होगी। आपको पहले से पता होगा कि कौन सा टॉपिक आज की क्लास में लगा हुआ है, वो टॉपिक आप पहले से पढ़ के आ सकते हो, टीचर से डाउट भी पूछ सकते हो। प्लस जो पिछले साल का पेपर हुआ है उसको पीवाईक्यू के तौर पे प्रॉपर सॉल्व करवाया जाएगा, प्लस चैप्टर वाइज एमसीक्यू, ये भी सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी। मतलब अगर हम आपसे पैसा लेंगे पेड बैच में तो भैया फिर हम आपसे कायदे से पढ़ाएंगे। यूट्यूब पे क्या भैया, इंटरनेट डिस्कनेक्टिविटी हो गई, सब ये हो गया, 30 मिनट का सेशन हुआ ठीक है, कभी 25 मिनट का सेशन हुआ, कभी हमने एमसीक्यू करा दिया, कभी हमने पीवाईक्यू करा दिया, लेकिन थ्योरी नाम की चीज यूट्यूब पे कोई नहीं करा रहा है, हम भी कम कराते। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर आपकी थ्योरी मस्ट है, पूरे के पूरे आपको कंसेप्ट सिखाया जाएगा, कहानी के माध्यम से आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी, चीजें समझाई जाएंगी, बहुत अंतर है। YouTube पे आप जब भी YouTube खोलते हो हजार वीडियोस आपके सामने आ जाते हैं नोटिफिकेशन के तौर पे इधर उधर, यहां फिक्स क्लासेस हैं, एप्लीकेशन पर जाना है कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। दूसरी बात, YouTube की टेंडेंसी है क्या भैया, एडवर्टाइजमेंट, इतने एड आते हैं YouTube पे, यहां पे भैया कोई एड नहीं, सीधी क्लास को प्रॉपर तरीके से देखो। यहां पे टीचरों की टेंडेंसी भी है, मैं खुद बता रहा हूं, क्योंकि YouTube का बिजनेस इस तरीके से चलता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बच्चों के कमेंट देखना, बच्चों से बात करना, कुछ एक्स्ट्रा, यहां पर कोई टॉपिक नहीं इसके रिगार्डिंग, यहां उसी बच्चे से बात हो रखी है जिसने पैसा दिया है, बहुत सारी अच्छी चीजें भैया। तो आप, मैं तो कह रहा हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भैया आपके बजट में नहीं है, तो आप भैया फ्री में YouTube पे पढ़ते रहिए, टाइम वेस्ट करते रहिए अपना, लेकिन यहां पे एक तरीके से पूरी प्लानिंग से एमसीक्यू पीवाईक्यू सब कुछ, प्लस हां मोस्ट इंपोर्टेंट आप देख लीजिएगा, इसमें टेस्ट सीरीज भी ऐड है, इसमें इसमें क्या ऐड है, इसमें टेस्ट सीरीज भी ऐड है, पेपर के लास्ट समय पे हम आपको टेस्ट सीरीज भी करवाएंगे भैया, ये सब कुछ इसमें हम करवाएंगे मात्र 2000 रुपए में। करना क्या है आपको एक बार दिखा दे रहा हूं, आपको एक बार दिखा दे रहा हूं, अभी क्या है, एक अच्छा खासा ऑफर चल रहा है, एक अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है,
सिलेक्शन की क्रांति सेल चल रही है 27 से 30 सितंबर के बीच में, 27 से 30 सितंबर के बीच में बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के बैच में सक्सेस की गारंटी है। बैच मिलेगा 1670 रुपए में, वैलिडेट टिल एग्जाम डेट, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक इसका आपको एक्सेस मिलेगा। यूज कोड मेरा, कैपिटल लेटर में क्या नाम है मेरा, अनुपम, मेरा नाम क्या भैया, अनुपम। इसको आपको कूपन कोड को लगाना पड़ेगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। आप चाहें तो जैसे आप अपने मोबाइल पे जाओगे या कहीं पर भी जाओगे तो आपको हमारी वेबसाइट सर्च कर लेनी है टेस्ट बुक, क्या, तो जैसे ही आपने टेस्ट बुक हमारी वेबसाइट सर्च कर ली तो ये आ गया अभी हमारा टेस्ट बुक। जैसे ही आप टेस्ट बुक देखोगे, testbook.com इंडिया नंबर वन गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन, ये आपने हमारी साइट खोल ली वेबसाइट, इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद ही आपको कहां जाना है, सुपर कोचिंग में, क्या, सुपर कोचिंग वाले में। और जैसे आप सुपर कोचिंग में जाएंगे भैया, यहां पर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे टीचिंग एग्जाम, आप किस एग्जाम की तैयारी करें, टीचिंग एग्जाम, और टीचिंग एग्जाम में थोड़ा सा जैसे आप नीचे चलेंगे, क्योंकि सारे एग्जाम के हम लोग तैयारी कराते हैं, थोड़ा सा जैसे आप इसको नीचे लेकर के चलेंगे तो आपको दिख रहा है बिहार शिक्षक भर्ती 2.0। अब बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 परचेज नाउ 1799 का दिखा रहा है यहां पे, लेकिन हम इसको और थोड़ा सा आपके लिए इसको और सरल कर दे रहे हैं। परचेज नाउ पर जैसे आप क्लिक करोगे, हो जा भैया क्लिक, क्या दिक्कत आ रही तुझे, ठीक है, अच्छा अभी इसमें कुछ आ रखा होगा, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तत्काल आपको सारे के सारे कोर्सेज का एक्सेस कंप्लीट आपको मिल जाएगा। और यहां पे जैसे ही आप जाओगे उसके बाद आप सीधा का सीधा कोर्स परचेज करोगे हमारा, और मस्ती के साथ में आप पढ़ाई करोगे, बिहार शिक्षक भर्ती के सारे एक्सेस आपको इसमें मिल जाएंगे। शानदार, हाँ वो आ गया, कुछ इशू हुआ था उसमें, या इंटर योर नेम मोबाइल नंबर प्लस कोर्स में, कोर्स में याद रखना यहां पे कभी चेंज प्लान के लिए ऑप्शन आता है, थोड़ा याद आपको देना पड़ेगा समय, या कोड आपको एक रिमूव कर देना है, और अप्लाई कूपन यहां पे ये गेट बिहार एसबी कूपन कोड दे रखा है, इसको आप हटा दीजिए क्योंकि इससे आपको 1700 का कोर्स पड़ेगा। जैसे आप मेरा कूपन कोड यहां पर लगा देंगे भैया अनुपम, क्या, ANUPM, अप्लाई कर देंगे यहां पर, यह देख लीजिए भैया कोर्स आपके लिए कितने का हो गया, मात्र 1670 रुपए का, कितने का हो गया, मात्र 1670 रुपए का कोर्स हो गया। कूपन कोड अप्लाई कर दिया आपने कैपिटल में ANUPAM, ठीक है भैया, बस। तो ये सारी सारी बातें हैं, ये मैंने आपको कुछ अच्छी चीज की चीजें बताई हैं, और अपने स्वविवेक से फैसला लें कहां तैयारी करनी है, कैसे करनी है, ठीक है भैया। चलो सेशन में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।